एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान में शुरू से ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज से कुछ अर्सा पहले अगर आप देखें तो आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक हुआ था 16 दिसंबर 2014 में। उस वक्त भी गवर्नमेंट ने एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है उनको ऑफ कर दिया। फिर उसके बाद स्मोक का प्रॉब्लम आ गया, स्मोक में भी एजुकेशन सेक्टर्स को ऑफ कर दिया गया। और अब तो हद भी होगी, यानी कि आप देखें कि 5 मंथ से हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो क्लोज है। जैसा कि स्टार्टिंग जो कि चाइना से स्टार्ट हुआ फेब में, फिर उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर भी इसका इम्पैक्ट हुआ। 14 मार्च को पाकिस्तान में तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है ना उनको क्लोज कर दिया गया और स्टिल नो अभी तक ये क्या है, क्लोज है। यानी कि कोरोना वायरस की वजह से अभी तक हमारे तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स के हैं या वो गवर्नमेंट सेक्टर्स के हैं, अकेडमीज हैं, स्कूल हैं, अभी तक स्टिल क्लोज हैं। अब इसके लिए हुकूमत ने क्या हिकमत अमली अपनाई है और उनको क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं तो एजुकेशन सिस्टम को हमारी गवर्नमेंट ने ऑनलाइन करने के लिए बहुत जोर दिया कि आप क्लासेस को ऑनलाइन स्टार्ट करें। अब अगर ऑनलाइन की बात करें तो सबसे पहले आप देखें रिपोर्ट के मुताबिक 38% लोगों के पास जो है ना नेट फैसिलिटीज मौजूद है, बाकी किसी के पास तो नेट फैसिलिटीज नहीं है। यानी कि हमारे यहाँ पे अभी तक प्रॉपरली हमारे पास नेट अवेलेबल नहीं है। अगर आप अदर कंट्रीज की बात करें तो उसमें से 100 में से 76%, यानी कि 100 में से 76 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे अवेलेबिलिटी है नेट की। और उसके बाद नेट की अवेलेबिलिटी के साथ उसको यूज करने की अवेलेबिलिटी भी है। हमारे यहाँ पे अगर नेट फैसिलिटी है लेकिन हम उसको यूज नहीं करना चाहते। रिसेंटली आप देखें गवर्नमेंट ने BA पार्ट 2 के एग्जाम्स अनाउंस किए हैं, उसकी डेटशीट आ गई है और 5 तारीख को पेपर भी स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने रखी हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हम इस डेवलपिंग कंट्री में उसको अवेल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मेजोरिटी सारे क्या हैं, वो गरीब तबके हैं। अब इसके लिए आप देखें कि विंडो, एक तो पहली बात है कि आपके पास लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर जो हो उसके साथ आपका कैमरा माइक होना जरूरी है। अब कैमरे माइक के साथ अगर वो नहीं है तो आप लैपटॉप को यूज करते हैं। अब लैपटॉप ये है तो उसके लिए आप लेटेस्ट विंडो जो कि विंडो 10 या विंडो 8 वो होना कंपलसरी है और वो भी अपडेटेड हो। उसके साथ साथ आपने जो ब्राउजर जिसपे आपने वर्किंग करनी है या यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो विंडो 8 या 10 में इंस्टॉल होगा, अगर दूसरे सिस्टम में या विंडोज में इंस्टॉल नहीं हो तो ये प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ आप देखेंगे मैट्रिक क्लासेस और इंटरमीडिएट क्लासेस जो कि फेल कंसीडर नहीं किए जा रहे उनको प्रमोट कर दिया गया, यानी कि प्रमोशन लेटर अभी रिसेंटली जो है ना वो इशू हो जाएगा। अब इसमें देखें कि 9 को 10th में प्रमोट कर दिया गया, फर्स्ट ईयर को 2nd में प्रमोट कर दिया गया। और उसके बाद परसेंटेज के हिसाब से मैट्रिक के, क्योंकि मैट्रिक के एग्जाम तो हो गए थे, सिर्फ उनके प्रैक्टिकल्स रहते थे और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो है ना इनके एग्जाम्स कुछ स्पेशल एग्जाम्स का वो कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होंगे वो स्पेशल एग्जाम्स में पेपर देंगे। तो हम बात कर रहे थे ऑनलाइन क्लासेस के लिहाज से, तो ऑनलाइन क्लासेस में बड़ी जो है ना प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट इसमें बड़ा अहम रोल प्ले करेगी, क्योंकि आप देखेंगे जब भी कोई इस तरह की सुविधा होती है तो सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर्स ही अफेक्टेड होते हैं। एजुकेशन सेक्टर्स में जब तक हम इसको मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर नहीं करेंगे, तब तक हमारा सिस्टम इसी तरह से चलता रहेगा। अब इसके लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स को, उन सेक्टर्स को, कि वो अपने सिस्टम्स को क्या कर सके, बेहतर कर सके। देखिए जितनी भी आपकी सारी शॉपिंग्स वगैरह हैं या वो ज़्यादा मेजोरिटी ऑनलाइन ही हो रही है, तो एजुकेशन सेक्टर के लिहाज से भी गवर्नमेंट ये स्टेप उठाए जिसमें जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स हैं वो अपने आप को बेहतर कर सके। और वही जो है ना अगर पेपर एग्जाम्स के दौरान ऑफलाइन सिस्टम हो जाता है तो उसके लिए वही पॉलिसी बनाएंगे कि वो किस तरह से स्टूडेंट्स को बेहतर कर सकते हैं, उनके एग्जामिनेशन सेंटर्स को, एग्जामिनेशन को बेहतर कर सकते हैं। हमारा एजुकेशन सेक्टर से वाबस्ता स्टाफ है वो सारे अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। अब अगर आप फिगर्स को देखते हैं तो आप देखें कि 2014 में जो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज थी वो 4.45% और 2020 में ये इंक्रीज होकर 6% हो गई है। मतलब ये देखें कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो किस तरह से ये क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है।
हम अगर बात करते हैं स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल्स की, तो पंजाब के अंदर 53,000 जो है हमारे पास क्या है, पब्लिक स्कूल। ये 2016-17 में ये डाटा पैक किया गया था, जिसमें आपके पास प्राइमरी लेवल पे जो है वो 37,000 है, मिडिल लेवल पे 84,000 है और हाई लेवल पे 64,000। इसी तरह प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो 60,502 ये प्राइवेट स्कूल्स हैं पंजाब में, और इसमें तकरीबन 11,000 जो है ना स्कूल्स वो पैफ के अंदर में आ रहे हैं। और बाकी लाहौर की बात करें तो लाहौर में आपके पास 5,436 जो है वो प्राइवेट स्कूल्स हैं और 1,219 क्या है पब्लिक स्कूल है। अगर आप ये कंपैरिजन करते हैं तो आप ये देखें कि प्राइवेट स्कूल्स की तादाद क्या है वो ज्यादा है। अब अगर इनसे वाबस्ता जो टीचर हैं, जो लोग इनसे रोजगार हासिल कर रहे हैं, में गवर्नमेंट टीचर की बात करें तो 3,43,458 टीचर ये पब्लिक सेक्टर्स में है, और प्राइवेट सेक्टर्स में बात करें 5,67,000 ये प्राइवेट टीचर्स हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में वर्किंग कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि 5,67,000 पर्सन जो है टीचर्स हैं वो इस वक्त अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लिया कि किस तरह से इनको बेहतर किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने SOPs बनाई, अगर बाकी अदारे भी SOPs पे वर्किंग करते हुए काम कर रहे हैं तो स्कूल्स के अंदर भी SOPs पे वर्किंग करके काम किया जा सकता है। अब इसी एग्जांपल आप देखें कि हमारे एरिया में साथ ही मंडी सब्जी मंडी है और वहाँ पे कोई किसी किस्म की SOPs पे वर्किंग नहीं की जा रही, SOPs पे काम नहीं कर रहे। अगर वो लोग अपने आप को वर्किंग करके या बेहतर कर सकते हैं तो जो एजुकेशन सेक्टर्स हैं वहाँ पे भी SOPs पे अमल करके हम अपने इदारों को ओपन कर सकते हैं। अब जनरली अगर लिटरेसी रेट देखा जाए तो 2017 में जो लिटरेसी रेट था वो 59.713% था, 59.13, और 2020 में वो हमारा 60% हो गया। अगर हम बात करते हैं COVID-19 के इम्पैक्ट की तो इसमें मैं बताता हूँ कि COVID-19 जो है वो हमें जो लेसन दे के जा रहा है, सबसे पहले ये कि हमारे पास रिसर्च सेंटर की कमी है, हमारे पास प्रॉपर रिसर्च सेंटर्स नहीं है जिसपे वर्किंग करके हम अपनी इकोनॉमी को क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। दूसरा जो इम्पैक्ट COVID-19 का वो ये है कि हमें अब अपना लर्निंग सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, हमें ऑनलाइन सिस्टम्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के तालों की जरूरत है। गवर्नमेंट प्रॉपरली वर्किंग करे तो हम अपने ऑनलाइन सिस्टम्स को भी बेहतर कर सकते हैं। ये था COVID-19 का इम्पैक्ट एजुकेशन सेक्टर पे, जिसने एजुकेशन सेक्टर्स को पूरी तरह से मुतासर किया है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सके SOPs के तहत इंस्टीट्यूट को ओपन किया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।